एक साथ शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हमें प्राप्त होता है, यह अद्भुत क्षण बहुत कम देखने को मिलता है। मैं इसके लिए बरेली वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके सामने इस देश के अंदर पिछले 6 वर्षों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों का लेखा जोखा लेकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक बनाते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के इन सभी कार्यों को लेकर के संगठन के पदाधिकारी भी समय समय पर आपके पास आते रहे हैं, लेकिन आज इस किसान वेणी के माध्यम से हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तब उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ संकल्प किए थे और मैंने उस समय कहा था कि मैं व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बल्कि देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की योजनाओं को लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों के अंदर बदलती हुई भारत की तस्वीर। 6 वर्ष पहले 2014 में जो देश दुनिया के विकसित देशों का पिछड़ों को बनकर के रह जाता था और दुनिया के अंदर एक संदेश था कि भारत तो दुनिया की नकल करता है, मात्र 6 वर्षों के अंदर आज दुनिया भारत की नकल करने के लिए मजबूर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को जो मिल रहा है आज उसका परिणाम है कि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डालने का काम करता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 80 रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके क्या जा रहा है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने कल 3500 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में देने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चिढ़ उन लोगों की है जिन्हें ये पसंद नहीं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है। ये हमारे लिए सोने से भी बहुमूल्य है क्योंकि इसी अन्न से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त होती है और यही अन्न हर एक गरीब से लेकर के अमीर के पेट में जब जाता है तो उसे एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति देकर के लोक कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के मार्ग में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके लिए मैं अपने सभी किसान भाइयों के का अभिनंदन करते हुए उनका नमन करता हूं।